नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम लोग फाइनेंशियल न्यूज रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें सीखते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक को लेके। यस बैंक की आज की जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है 7 सितंबर की, अगर मैं बात करूँ अभी जो आज MD और CEO ने यहाँ पर बयान करा है यस बैंक के, प्रशांत जी उनका नाम है, आप लोग को ही पता है, उनका एक बड़ा बयान आया है। ये बयान जो आया है ये है लोन रिकवरी के बेसिस पे आया है। जो इनकी डिपॉजिटरी, अगर मैं बात करूँ डिपॉजिटरी, ये अच्छा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैंक में लोगों का वापस से भरोसा आ रहा है। बट अगर मैं बात करता हूँ बैंक के असली बिजनेस की, जो कि होता है लोन के थ्रू, और जो इन्होंने ऑलरेडी लोन बांट रखा है उसकी जो इन्हें रिकवरी करनी थी उसको लेके एक बड़ा बयान दिया है, जिससे कि हम थोड़ा सा आगे के लिए भी समझ सकते हैं। और अभी जो करंटली चार्ट का पैटर्न देखने को मिल रहा है और AGM आने वाला है, उसको लेके मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कैसे इस वीक में मूव करने वाला है। हमारी पिछली सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें हमने जो भी टारगेट बताया सारी चीज़ें देखने को मिली, अभी तक वही सर्किल देखने को मिल रहा है। और 25 या 30 का टारगेट इस हफ्ते में ले पाएगा AGM के बाद कि नहीं ले पाएगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। क्या टारगेट आप ले सकते हैं और कब आपको एवरेजेस करना है, कब आपको बाय करना है और अपना एवरेज आउट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं अगर आपको न्यूज़ पे लेके जाऊँ, उसके पहले मैं यस बैंक के आज के जो डाटा है NSE पे, उस पे लेके जाना चाहूँगा। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं NSE की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ यस बैंक का जो प्राइस देखने को मिल रहा है 14.10 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। और ये डाटा अगर मैं बात करूँ तो अभी मार्केट क्लोज होने में 10 मिनट और बाकी है, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा इस डाटा में। देख सकते हैं आप क्लोजिंग प्राइस अभी एक तरह से जो अभी प्राइस देखने को मिल रहा है 14.10 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी अगर मैं बात करूँ प्रीवियस क्लोज और जो ओपन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये क्लोज हुआ था 14.25 रुपये पे, यानी कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इसमें अगर मैं बात करूँ। अगर मैं बात करूँ आज का जो टोटल हाई बना था वो 14.30 रुपये के करीब आज का हाई बना था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं आज प्राइस गिरने का एक रीज़न ये भी आप देख सकते हैं कि बाय क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हुई और सेल क्वांटिटी अगर उसके यहाँ पर देखा जाए तो कितना कम यहाँ पर चांसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं बाय क्वांटिटी में आपको दिखाता हूँ 2,19,00,000 के करीब यहाँ पर क्वांटिटी बाय करी गई है, इतनी ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। तो क्या 14 रुपये सही प्राइस होगा लेने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं सही है, हालांकि जो लोग ले रहे हैं ले सकते हैं आराम से। और बात करूँ अगर मैं सेलिंग क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हैं ये कम है काफ़ी ज़्यादा, 29,00,000 के करीब ही है। यहाँ पर करोड़ में ट्रांजेक्शन आज नहीं हुए हैं, थोड़ा सा अभी कमी देखने को मिल रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि सब लोग अभी रुके हुए हैं, 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 10 के बाद वो अपने चांसेस यहाँ पर बाय करना सेल करना वो फिर बढ़ाएंगे। बाकी अगर मैं आपको डिलीवरी वाइज क्वांटिटी के पास लेके आऊँ, तो आप देख सकते हैं 47% का डिलीवरी को परसेंटेज निकल के आ रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा कम है डेली के मुताबिक अगर हम लोग देखें, जो यस बैंक में नॉर्मल ट्रेडिंग होती थी उसके हिसाब से आज के दिन थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। चलिए मैं आपको उस न्यूज़ पे लेके आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको लेके आया हूँ। COVID-19 हैज लेड टू अ डिले इन रिकवरी सेज यस बैंक्स प्रशांत कुमार। इन्होंने बोला है कि COVID-19 की वजह से जो इनकी रिकवरी है उसमें डिले हो रहा है। अगर आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको CNBC TV19 के वेबसाइट पे लेके आया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं यस बैंक्स मैनेजमेंट टीम हैज बीन ऑन अ रिकवरी ड्राइव फ्रॉम अटैचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड ट्रेडर टू ऑन गोइंग आफ्टर हांगकॉन्ग ऑफ बेलर्गर NBFCs। यहाँ पर NBFC की भी न्यूज़ निकल के आई थी बीच में, वो भी हमने आपको बताया था, जो कि आपको देखने को मिला था कैसे रिकवरी कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा अपना बताया है कि, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिकवरी टारगेट वुड बी फॉर द इंटायर स्ट्रेस बुक, जितनी भी इनकी बुक थी जिसमें कि इन्होंने लोन पास किया था, स्ट्रेस बुक जो कह सकते हैं, उसका पूरा ये रिकवरी करना चाहते थे, इनका टारगेट था। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इट इज़ एन इशू अबाउट द टाइमिंग, टाइमिंग का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है यस बैंक पे। यस बैंक कोशिश कर रहा है अपने आप को रिकवर करने के लिए, लेकिन टाइमिंग भी अभी गलत कह सकते हैं यस बैंक के लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। अगर यही चीज़ कोविड अभी ना चल रहा होता तो यस बैंक थोड़ा और अच्छा रिकवर कर पा रहा होता, बट COVID-19 की वजह से उतना अच्छे से रिकवरी हमें नहीं देखने को मिल रही। बिकॉज ऑफ कोविड वॉट वी आर सीइंग इज दैट द टारगेट विच वी वर एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर दैट हैज स्लोड डाउन अ बिट, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो ये लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ी सी स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो आपको ये चीज़ मैं लगातार बताते भी आ रहा था कि क्योंकि अभी कोविड की वजह से
डिफॉल्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने अपने बैंकों के जितने भी एनालिसिस करे उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई एनपीए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए आगे चल के हमें समझ में आता है कंपनी ने लोन दे दिया, बैंक ने लोन दे दिया, बट उनके लिए ये फायदेमंद सौदा था या नुकसानदायक सौदा था ये हमें थोड़ा टाइम पे पता चलता है। इसीलिए बैंक में जब भी हम निवेश करने जाएं हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो तुरंत देखने को मिलता है, लेकिन लॉस जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि कौन सा बैंक कितना ज़्यादा लॉस में। तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ को लेकर पूरा स्ट्रेस किया है, और उनकी इस पूरे अगर आप बयान को पढ़ते हैं, पूरे मैसेज को पढ़ते हैं आर्टिकल को, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, जो चीज़ ये है कि अभी चांसेस हैं कि अगले एक दो क्वार्टर में भी उतनी अच्छी रिकवरी हो ना पाए, क्योंकि कोविड की वजह से आप ही जान रहे हैं कितने आधे बिजनेस रन आउट हो रहे हैं। तो चांसेस हैं कि इनकी रिकवरी में टाइम लग सकता है, और कुछ यहाँ पर कई बड़े लोग यहाँ पर एनपीए यानी कि अपने आप को डिफॉल्ट भी घोषित कर सकते हैं, जो कि येस बैंक के लिए थोड़ा सा एक गलत झटका हो सकता है। तब यहाँ समझने वाली बात ये येस बैंक का अगर मैं बात करूँ, डिपॉजिटरी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि वो फंड भी रेज कर रहे हैं, लोगों का भी भरोसा आ रहा है, वापस से येस बैंक में पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी बढ़ रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं बैंक के, उस पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट से बैंक पैसा कमाता है, जो कि आप देख रहे हैं लगातार थोड़ा सा गिर रहा है, जितना रिकवरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिजल्ट भी थोड़े से कम होंगे यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर हमें ये टारगेट ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं देखने को मिला। मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस में बोला था जो इसकी साइकिल है 13 रुपये से लेकर 17 के बीच की रैली ये लगातार कंटिन्यू रहेगी अप टू AGM, और AGM आ भी गया, आप अभी भी देख सकते हैं वही कंटिन्यू हो रही, इस वीक भी वही चीज़ रहेगी। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती तो हो सकता है वो इस चेन को तोड़े, बहुत ज़्यादा हाई टारगेट पे जाएगा तो 18 रुपये से 19 रुपये के करीब जाएगा, 24, 25, 30 अभी नहीं जाने वाला है। अगर आपको नहीं भरोसा है 3 दिन बाद आप भी हमारे चैनल पे वीडियो देखते ही रहेंगे, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप भी देख सकते हैं कि गया कि नहीं गया। तो यहाँ पर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी तो थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस हैं ऊपर के साइड में जाए, बट जो अभी चार्ट की तरफ से नतीजे निकलते हुए आ रहे हैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इसका रेजिस्टेंस जो है वो गिरता जा रहा है और लगातार ये सपोर्ट बरकरार करने की कोशिश कर रहा है इसमें, तो अभी जो हमें एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिल सकती है AGM के दिन, कोई बड़ी न्यूज़ के पहले हमें डाउनवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। अगर लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया बहुत ज़्यादा, अगर चेन ऊपर नहीं जाती है, तो हमें यहाँ पर 11.5 रुपये से 12 रुपये के करीब तक के या 12.5 रुपये तक का एक आप मार्जिन ले सकते हैं, हमें ये लोअर सर्किट में देखने को मिल सकता है 11.5 से 12.5। तो जैसे ही इस टारगेट को ये छुए भी, तो अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, मेरे लिए सबसे बढ़िया टारगेट वही रहेगा, आप तुरंत निवेश कर सकते हैं, चूकिएगा मत इस बार। और अगर जिन लोग के पास ऑलरेडी है वो और एक्युमुलेट करना चाहते हैं, आपके लिए भी सबसे बेस्ट टाइमिंग यही रहेगा एक्युमुलेट करने के लिए, ताकि जो आपका एवरेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आगे चल के आपके लिए प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब समझने वाली बात ये, अगर आप इसको लेके चल रहे हैं ये चेन टूटेगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, जैसे ये चेन टूटेगी 18 का लेवल यहाँ पर क्रिएट होगा, उसके बाद धीरे धीरे 24 होगा, 25 होगा, लेकिन ये 6 महीने से 1 साल को लेके चलिए, क्योंकि बैंक में आपको भी पता है इतने जल्दी से सडन नहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। येस बैंक का भी अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल रिजल्ट की, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेंगे भी तो भी एक कॉन्टिन्यूस जो साइकिल चल रही है वो डायरेक्ट ब्रेक होकर 30 या 300 पे नहीं चली जाएगी, ये फंडामेंटल होता है, समझने की कोशिश करें। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली हमारी वीडियो